तो यार कैसे हुआ आप सब? पिछले वीडियो में मैंने बताया कि एंजेवन एप्लीकेशन में अकाउंट कैसे क्रिएट करें, डीमैट अकाउंट कैसे क्रिएट करें, सारा कुछ प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके वो वीडियो चैनल पे जाके देख लेना। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से FNO सेगमेंट को एक्टिवेट करेंगे ताकि आप ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। एंजेवन एप्लीकेशन में ऑप्शन बाय करने के लिए आपको FNO सेगमेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन इस वाले सेगमेंट को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है इसका प्रोसेस बताने वाला हूं, और नेक्स्ट एक और वीडियो में मैं आपको एंजेवन एप्लीकेशन में पैसा किस तरीके से ऐड किया जाता है, एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज किया जाता है, कैसे स्टॉक को बाय सेल किया, सारा कुछ प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट है, मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं कि सेगमेंट एक्टिवेट कैसे करना है। तो गाइस यहां पर मेरे पास एक फॉर्म है और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए आपके पास 6 ऑप्शन हैं। 6 ऑप्शन में से आपको क्या करना पड़ेगा, पहला ऑप्शन तो ये है कि आपके बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट है, लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको अपलोड करना है। वो आपको कैसे मिलेगा, वो आप किसी भी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, जैसे कि स्टेट बैंक का योनो एप्लीकेशन, जितने भी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है वहां पे जाके आप 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना है आपको और उसे आपको अपलोड कर देना है। ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे के अंदर आपका सेगमेंट एक्टिवेट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है कि आप लेटेस्ट सैलरी स्लिप अटेस्ट बाय एम्प्लॉयर, लेटेस्ट आपका अगर आप जॉब करते हैं कहीं पे तो सैलरी स्लिप जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं। कॉपी ऑफ लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न, आप जो इनकम टैक्स भरते हैं, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न का आपको कॉपी आपको अपलोड करना है। उसके बाद न्यू वर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपने कुछ जमीन या कुछ चीज़ें आपने बाय किया है, खरीदा है, आपका जो नेटवर्थ है, जो आपका टोटल इनकम है, उसका अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर एंजेवन एप्लीकेशन में ही या फिर किसी दूसरे एप्लीकेशन में ही कुछ शेयर को आपने बाय किया है और उसे होल्ड करके रखा है, आपने कुछ शेयर को होल्ड किया है बाय करके, उस शेयर का आप कॉपी जो मेल पे आपको भेजा जाता है उसका कॉपी आप अपलोड कर सकते हो। वो शेयर होल्डिंग का कॉपी आपका मिनिमम 5,000 का होना चाहिए, ऐसा तो रूल में है लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सारा कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देख सकते हो, ये न्यू एक्सचेंज सेगमेंट एक्टिवेशन रिक्वेस्ट फॉर्म है। इस फॉर्म को आप अगर ये फॉर्म आपको नहीं मिलता है तो एंजल वन का एक वेबसाइट है www.angelbroking.com पे आप जाके रिक्वेस्ट आप डाल सकते हो, आप उनसे मांग सकते हो कि मुझे एक सेगमेंट एक्टिवेशन का फॉर्म चाहिए, तो वो आपको मेल के थ्रू आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप वो फॉर्म लेके आपको फिलअप करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देख सकते हो मैंने एकदम सिंपल तरीके से FNO सेगमेंट को एक्टिवेट किया है। यहाँ पर देख सकते हो आप अपना नाम और जो आपका क्लाइंट कोड है, क्लाइंट कोड आपको कहाँ पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आपको दिखा दूंगा, या फिर आप एप्लीकेशन के अंदर जाके क्लाइंट कोड आराम से देख सकते हो। मेन जो एप्लीकेशन ओपन होते ही आपका क्लाइंट कोड एकदम बीच में आपको दिखाई देगा, तो वहां से आपको क्लाइंट कोड डाल देना है। और यहाँ पर आप कौन कौन सा सेगमेंट एक्टिवेट करना चाहते हो, BSC, NSC, FNO, BSC, FO, जो जितने मैंने सबको एक्टिवेट करने के लिए सब में साइन कर दिया है, जितने भी आप एक्टिवेट करना चाहते हैं सारे के सारे में आपको साइन कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ आप किस तरीके से साइन कर सकते हो। साइन करने के बाद नीचे आपको एक और सिग्नेचर आपको करना है, उसके बाद आपको क्या करना है एक और पेज, मैंने वो जो फॉर्म है ना वो मेल पे भेजने के बाद मैंने फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लिया है, और प्रिंट आउट निकालने के बाद मैंने कुछ इस तरीके से फॉर्म को फिलअप कर दिया। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, फिर से यहाँ पर आपको क्लाइंट कोड डालना है, और यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, और उसके बाद नीचे आप इन तीनों में आपको साइन कर देना है, और बस इतना सा ही काम है। और दूसरा आपको एक और चीज करना है, जो आपने क्या करना है, मिनिमम गाइस आपको 1,000 रुपये आपको अपने डीमैट अकाउंट में ऐड करना है। 1,000 रुपये ऐड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर लगभग 6 शेयर को होल्ड किया है, एकदम सस्ता वाला 6 शेयर को हमने होल्ड किया, मतलब बाय करके मैंने होल्ड करके रखा। होल्ड करने के बाद मैंने ये जो आपको पेज है ना, ये जो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने सिर्फ 938 रुपये का मैंने सिर्फ स्टॉक बाय किया, और 938 रुपये में मैंने FNO सेगमेंट को एक्टिवेट कर लिया। ये कंपनी तो बोलता है कि 5,000 का
आपको शेयर होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं 1,000 रुपये ऐड करके 938 रुपये का सिर्फ 6 शेयर को होल्ड करके रखा और मेरा FNO सेगमेंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। मैंने क्या किया कि जो जो मेल पे फॉर्म भेजा है उस फॉर्म का मैंने प्रिंटआउट निकाल लिया और जो मैंने स्टॉक को बाय किया है ना, जैसे ही आप स्टॉक को बाय करते हैं तो आपका रजिस्टर्ड ईमेल पर आपको मेल पर बता भेज दिया जाता है डिटेल्स, जो आपने जो जो स्टॉक को बाय किया है, जो आपने होल्ड करके रखा है उनका डिटेल्स भेज दिया जाता है। उस डिटेल्स को मैंने क्या किया कि मैंने प्रिंटआउट निकाल लिया उसका उसका 2 पेज का ये प्रिंटआउट मैंने निकाल लिया और इसका जो फॉर्म है इसका भी मैंने 2 पेज का फॉर्म को मैंने प्रिंटआउट निकाल लिया। फॉर्म को फिलअप करने के बाद इन चारों का फोटो खींच के PDF फाइल बना लेना है और PDF फाइल बना लेने के बाद आपको अपलोड कर देना है www.angelbroking.com जो इनका वेबसाइट है, वेबसाइट पर आपको सेंड कर देना है मेल के थ्रू और FNO सेगमेंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको बता देना है। बस आप इसको अपलोड करके 24 घंटा वेट कीजिए, 24 घंटे के अंदर आपका जो FNO सेगमेंट है वो एक्टिवेट हो जाते हैं एकदम इजी तरीके से। 1,000 रुपये आप मतलब इन्वेस्ट करके आप अपना FNO सेगमेंट को एक्टिवेट करा सकते हो और जैसे ही आपका FNO सेगमेंट एक्टिवेट हो जाते हैं उसके बाद आप अपना जितने भी शेयर को आपने होल्ड करके रखा है सबको आप सेल कर देना जब जिस टाइम को आपको आपका मन करे कि आपका FNO सेगमेंट एक्टिवेट होने के बाद जब भी आपका मन करे पिछले दिन या 1 महीने के अंदर जब भी आपका मन करे आप उस शेयर को सेल कर दो, सेल करके आपका जो पैसा है वो आपके डीमैट अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे और वो पैसा आप चाहे तो अपना बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हो या फिर उस पैसों से आप FNO सेगमेंट को एक्टिव करके ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो गाइस कुछ इस तरीके से इजी तरीके से आप अपना FNO सेगमेंट को एक्टिवेट करा सकते हो। इस वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। लास्ट तक वीडियो देखा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।